इन दिनों बंगला युद्ध छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री आवास सौंप दिया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने कल ये कहते हुए बंगला सील कर दिया कि बंगले के आवंटन का अधिकार पीडब्ल्यूडी को है। केजरीवाल कैसे आतिशी को बंगला सौंप सकते हैं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है, तो बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल ने आतिशी को बंगला क्यों सौंप दिया। उसको सील किया गया, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर दंगल जारी है। आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट हुई तो उनके हैंडओवर को लेकर विवाद शुरू हो गया। कल दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को सील कर दिया था और सीएम आवास से आतिशी का सारा सामान भी निकालकर बाहर कर दिया था। और अब सीएम के बंगले पर जंग छिड़ गई है। इस बंगला युद्ध में एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी और दिल्ली के उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल ने बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी को ना सौंपकर आतिशी को क्यों सौंप दी। इन सब छोटी निम्न चीजों के लिए एलजी दफ्तर के पास समय कहां से आता है? मैं तो कल से ये सोच रहा हूं कि इनके पास इतना समय कहां से आता है कि ये इन चीजों के अंदर अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। इसकी चाबी ऐसे कैसे चली गई, चाबी वापस लो, सील कराओ, तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। वो भ्रष्टाचारी शीश महल जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने अनेक अनियमितताएं बरती हैं, उनको उसको संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से खाली करना चाहिए था, लेकिन अपने उस अय्याश ग्रह को छुपाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए एक जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र रचा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया था और पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपने का दावा किया था, लेकिन चाबी पीडब्ल्यूडी को ना देकर दिल्ली की सीएम आतिशी को सौंप दी थी और आतिशी बंगले में शिफ्ट भी हो गई, लेकिन 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने बंगले को सील कर दिया। इस बीच आतिशी की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो बंगले के अंदर पैक्ड सामान के बीच ही काम करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सीएम को परेशान करने का आरोप लगा रही है, तो एलजी सूत्रों का दावा है कि आतिशी ने अपना सामान खुद वहां से हटाया, उनका सामान बाहर फेंकवाने के आरोप गलत है। आतिशी का सामान इस बंगले में क्यों पहुंचा जबकि उन्हें पहले से ही एक सरकारी बंगला मिला हुआ है? उन्हें दो सरकारी आवास कैसे अलॉट किए जा सकते हैं, बीजेपी ये पूछ रही है। मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है, सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। इससे बड़ी अनैतिकता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? तो दिल्ली में बंगला युद्ध छिड़ा हुआ है। ये बंगला पीडब्ल्यूडी का है और इसे अलॉट करने का अधिकार भी पीडब्ल्यूडी के पास है। तो पूछा जा रहा है कि केजरीवाल ने आतिशी को बंगला क्यों सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वह हाथरस कांड को लेकर यूपी में एक बार फिर सियासत गर्म है। आज हाथरस कांड में